नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज लाइव राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। करधनी के हिस्ट्री शीटर पर भारी पड़ा छोटवाड़ा का हिस्ट्री शीटर, मारी गोली। राजधानी जयपुर में भी अब अपराध तेजी से पैर पसार रहा है। वर्चस्व की लड़ाई ऐसी है कि हिस्ट्री शीटर भी आपस में जान के प्यासे हो रहे हैं। करधनी थाने के हिस्ट्री शीटर चंद्र सिंह और उसके दोस्त वीरेंद्र यादव पर बुधवार रात जानलेवा हमला हुआ। हमलावर भी छोटवाड़ा के हिस्ट्री शीटर सागर सिंह के होने का संदेह जताया जा रहा है। करधनी थाना इलाके में हुई घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं घायल चंद्र सिंह को गंभीर होने के चलते मणिपाल यूनिवर्सिटी से SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया है। DCP विकास शर्मा ने बताया कि बैनार्ड रोड श्याम विहार निवासी चंद्र सिंह साथी वीरेंद्र यादव के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था। रात करीब 9:30 बजे हेलमेट पहने स्कूटी पर दो युवक आए। पीछे बैठे युवक ने पहले तो करीब 4 राउंड हवाई फायर किया और फिर एक गोली चंद्र सिंह के सीने में उतार दी। चंद्र सिंह को गोली लगते ही देख साथी वीरेंद्र भागने लगा, लेकिन बदमाश ने उसके पीठ पर गोली मार दी। इसके बाद बदमाश ओझल हो गए। गोली की आवाज सुन घर वाले बाहर आए और सूचना पुलिस को दी। इसके बाद दोनों को लेकर मणिपाल अस्पताल पहुंचे, जहां पर चंद्र सिंह की हालत गंभीर होने पर उसे SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एडिशनल DCP बजरंग सिंह ने बताया कि गोली से जख्मी होने वाला चंद्र सिंह करधनी थाने का हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर बदमाश है। उसके खिलाफ मारपीट, वसूली और कई अन्य मामले दर्ज हैं। चंद्र सिंह पर हमला कोई रंजिश का मामला भी हो सकता है। वहीं फायरिंग करने वालों में बदमाश सागर सिंह का नाम सामने आ रहा है। वह छोटवाड़ा इलाके में रहता है और उसी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके खिलाफ भी थाने में मारपीट, शराब पीकर परेशान करना जैसे मामले दर्ज हैं। माना जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से रंजिश रखते थे, इसलिए मौका देखकर फायर किया। थाना अधिकारी मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि पुलिस ने दोनों हिस्ट्री शीटर का बैकग्राउंड खंगाला तो सामने आया कि करीब 3 साल पहले दोनों एक साथ काम करते थे और दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद भी किसी मामले को लेकर दोनों में टकराव हो गया और फिर एक दूसरे के दुश्मन बन गए, इसलिए हमले को लेकर सागर सिंह का नाम सामने आया है।